बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आप भाई साथ में शेयर कर दूंगा सैमसंग वालों का सैमसंग जेड फोल्ड 3 और जेड फ्लिप 3। ये एक डेढ़ माह पहले सऊदी अरब में लॉन्च हो चुके हैं। इनके इस वक्त के लेटेस्ट प्राइस और मोबाइल के मुताबिक आपको वीडियो दिखाता हूँ, यानी कि छोटा सा रिव्यू और इनके लेटेस्ट प्राइस आपको बता देता हूँ। सैमसंग जेड फोल्ड 3 एंड जेड फ्लिप 3, ये रखिए आपके सामने सैमसंग जेड सीरीज, जिनमें दो मॉडल लॉन्च हो चुके हैं मार्केट में अभी, और इनके ऊपर कुछ डिस्काउंट है या नहीं है, या इनके ओरिजिनल प्राइस इस वक्त सऊदी अरेबिया में क्या हैं। जिनमें जेड फ्लिप 3 है जी 5G के साथ, और जेड फोल्ड 3 है जी ये भी 5G के साथ। दोनों का एक साथ रिव्यू, यानी कि इसका छोटा सा इनका रिव्यू और इनके प्राइस से आपको अपडेट कर दूंगा। ये सऊदी अरेबिया में इस वक्त भाई आपको किसी डिस्काउंट वगैरह में मिल सकते हैं, या इनके साथ कुछ चीज़ें जो गिफ्ट के तौर पर दी जाती हैं वो साथ में कुछ मिल सकती हैं। जो भी डिटेल है आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ मैं। जेड फ्लिप देख लें जी, मैं अगर इसके कैमरों के मतलब बात करूँ तो आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड 720 180 प्लस 4K, अगर 8K का ऑप्शन भी रखा जाता तो बेस्ट था। जितनी इसकी कीमत है मैं कीमत भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी 4K बेस्ट है जी। 4K वीडियो ही आम रिकॉर्डिंग चल रही है, 180 या 4K। तो अगर इसके कलर की बात करें तो इसमें ये कलर काफ़ी अच्छा है जी, मुझे भी काफ़ी ये कलर पसंद है। हालांकि इसमें कलर और भी अवेलेबल हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नीचे वाली चार्जिंग की जगह, स्पीकर ग्रिलिंग, इस साइड से बात करें तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके साइड पर ही मिल जाएगा, और वॉल्यूम अप डाउन। और दूसरी साइड से देख लेते हैं ये जी, इस साइड पर आप अपनी सिम लगा सकते हैं इसमें। तो डिस्प्ले के मतलब अगर बात करें तो आपको 6.7 इंच का, यानी कि 6.7 इंच का इसका डिस्प्ले मिल जाएगा। अभी मैं आपको फ्लिप करके भी दिखा रखा हूँ, यानी कि फोल्ड करके बोल रही है, फ्लिप करके दरमियान में देख लें सैमसंग लिखा हुआ है बकायदा, और सैमसंग जी बिल्कुल। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इसमें डिस्प्ले तो बिल्कुल फोल्ड हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला बिल्कुल डिस्प्ले इसका फोल्ड हो रहा है, यानी कि डिस्प्ले बिल्कुल बच रहा है, बाकी तमाम मोबाइल तो फोल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको सीधा कर देते हैं तो फिर भी हमें हल्का सा फील होता है डिस्प्ले के दरमियान में कि ये मोबाइल भाई फोल्डिंग वाला है, यानी कि वहाँ पर एक निशान ऐसे हल्का सा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप कैमरा वगैरह देखते हैं तो उसमें कोई किसी किस्म का मसला आपको नहीं दिखाई देगा। तो एक जाहरी सी बात है, जेड सीरीज़ के मुतलक भी सैमसंग की एक फैमिली मौजूद है जो इस चीज़ के लवर हैं, वो इनको ख़रीदते हैं। और अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो आपको 10 मेगापिक्सल का HDR 4K वीडियो आप उससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। 10 मेगापिक्सल का भाई, मेगापिक्सल की गेम नहीं होती है, कैमरा होना चाहिए बस। अगर स्टोरेज की बात करें तो 128 256, ये दो स्टोरेज में अवेलेबल है जी 8GB रैम के साथ। बैटरी की बात करें तो आपको भाई इसमें 3300 mAh की बैटरी मिल जाएगी, फास्ट चार्जर आपको 15 वाट का मिल जाएगा, बैटरी भी इसकी कम है और फास्ट चार्जर भी इसका बिल्कुल एक सिंपल सा रखा गया है। हालांकि बैटरी कैपेसिटी इसकी 4500 कम से कम होनी चाहिए थी। चलो आगे चलते हैं जी जेड फोल्ड की तरफ। जेड फ्लिप तो मैंने आपको दिखा दिया है अभी, तो अभी जेड फोल्ड देख लेते हैं जी। बैक साइड से इसके कैमरों की बात करें तो आपको 3 कैमरों का सेटअप यहाँ पर दिखाई दीजिएगा। ये प्राइस के लिहाज से भी ज़्यादा है जी, उससे मैं प्राइस से भी आप भाई को आगे अपडेट कर देता हूँ। 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो प्लस 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड 720 180 प्लस 4K वीडियो, वही है जी फ्लिप वाला हिसाब, 4K वीडियो ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.2 इंच का भाई डिस्प्ले मिल जाएगा इसको, अगर आपने फोल्ड किया हुआ है। अगर इसको खोलते हैं, मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ जी, ये देख लें जी। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगा जी 7.6 इंच का, ये टैब बन जाएगा भाई, फिर मोबाइल नहीं रहेगा, टैब बन जाएगा बड़ा एक। तो अगर इसको आप बंद करेंगे तो ये 6.2 इंच हो जाएगा, अगर खोलेंगे तो टैब बन जाएगा 7.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले। देख लें आपको कैमरे का रिजल्ट भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फुल डिस्प्ले कैमरे का रिजल्ट है जी, देख लें आप। कैमरे का रिजल्ट तो ऑसम है, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अच्छा, जेड फोल्ड 3 के मतलब अगर स्टोरेज के मतलब बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ 256 GB है जी इसमें 12 GB रैम के साथ, और 512 GB है जी 12 GB रैम के साथ ही। इसमें 128 GB या 8 GB रैम वगैरह का सिलसिला वो नहीं रखी गई है जी। बैक साइड से भी इसकी लुक देख लें, अगर इसको बंद करके डिस्प्ले के मतलब आपको मैं फिर बता दूं तो वो आपको मिलेगा ही 6.2 इंच का। सेल्फी कैमरे की बात करें तो अगर इसे हम भाई ओपन करते हैं, अगर टैब बनाते हैं, तो फिर इसमें आपको 4 मेगापिक्सल का कवर, यानी कि अगर आप कैमरा चलाएंगे यूज़ करेंगे तो डिस्प्ले आपका वाजिया नहीं होगा, यानी कि कैमरा, आप जब कैमरा सेल्फी चलाएंगे उस टाइम ही ऊपर वाजिया होगा। अगर ये
इसका डिस्प्ले देख रहे हैं इस टाइप से, तो अगर इसके यहाँ पर सेल्फी कैमरे की बात करें तो आपको 10 मेगापिक्सल का मिलेगा, HDR 180 प्लस 4K वीडियो आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है जी मेरे हिसाब से सेल्फी कैमरे में। बैटरी के मतलब अगर इसकी बैटरी के मतलब बात करें तो आपको 4400 mAh की भाई इसमें बैटरी मिल जाएगी, और इसमें बैटरी के मतलब बात करूँ तो फिर भी ठीक है जी, हालांकि मेरे हिसाब से इसमें 5000 की होनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ा मोबाइल है जी, जाहिर सी बात है टैब के तौर पर भी यूज़ किया जाएगा। पीछे सैमसंग S21 Ultra भी पड़ा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बहरहाल इसके प्राइस के मतलब तो आपके साथ मैं अलग से वीडियो शेयर कर चुका हूँ, वो मज़ीद आप भाई को बताता भी रहूँगा। अगर जैन फ्लिप के प्राइस के मतलब बात करें तो इस वक्त ये भाई 4000, एक रियाल कम, 3999 4000 में है, और अगर जेड फोल्ड के प्राइस के मतलब बात करें तो वो इस वक्त भाई 6800 रियाल में है जी। ये इनके इसके लेटेस्ट प्राइस हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे हिसाब से इसके ऊपर डिस्काउंट लग जाएगी, क्योंकि इनकी सेल इतनी अच्छी नहीं है।